Assalamu alaikum aspirants, welcome to CSS PMS Times. So we are proceeding to our topic. In the last video मैंने आपको समझाया था change in demand क्या होता है. तो now we are continuing here change in supply. Supply can be influenced by variation in production cost, technologies, input prices and expectation. प्रोडक्शन कॉस्ट सप्लाई जो चेंज होती है वेरिएशन इन प्रोडक्शन कॉस्ट टेक्नोलॉजीज के ज़रिए इनपुट प्राइस के ज़रिए और एक्सपेक्टेशन दिन ब दिन जो है टेक्नोलॉजीज इंक्रीज़ हो रही हैं कम नहीं हो रही. जितनी टेक्नोलॉजीज इंक्रीज़ होती जाएंगी सप्लाई की प्राइस वेरिएशंस प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह में आती रहेगी. तो इसी तरह ये आता है सप्लाई में चेंजेस. ठीक है. सो मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस. मार्केट इक्विलिब्रियम अकर व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड रिजल्टिंग इन अ स्टेबल प्राइस. सो मैंने आपको एग्जांपल दी थी मेरे लास्ट वीडियो में कि बायर और सेलर दोनों के बीच में जो भी बारगेनिंग होती है जो भी, लेकिन बायर जो है वो अपने घर से बजट बना के ही आता है कि मुझे ये चीज़ इतनी इतनी पेमेंट में लेनी है. और सेलर जो है उसकी भी ऑलरेडी एक प्राइस बनी होती है, उसकी भी एक कि वो चाहता है कि मैं इतने में सेल करूं, जितने मुझे इसी प्राइस में अगर मैं सेल करता हूं तो उसको प्रॉफिट भी मिले और उसको कोई नुकसान ना हो. तो दोनों के बीच सेलर और बायर दोनों के बीच में जितनी भी बार्गेनिंग होती है और बार्गेनिंग जिस पॉइंट पर आके रुकती है जिसमें सेलर और बायर दोनों विलिंग जिस प्राइस पे दोनों विलिंग और एबल हों बाय करने के लिए, सेलर और बायर जो है वो बाय करने के लिए और सेलर जो है सेल करने के लिए दोनों विलिंग और एबल हों, उस पॉइंट को हाँ उस इक्विलिब्रियम जहाँ प्राइस जो है स्टेबल हो जाती है दोनों विल और एबल भी हो जाते हैं उसे मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं और स्टेबल मार्केट प्राइस भी कहते हैं. इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस. चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई कैन लीड टू शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी क्रिएटिंग सरप्लसेस और शॉर्टेज इन द मार्केट. सो चेंज और डिमांड और चेंज इन सप्लाई, अगर डिमांड्स में और सप्लाई दोनों में चेंज आता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी शिफ्ट हो जाती है. जैसे डिमांड्स जो हैं किसी भी चीज़ की अगर बढ़ती जा रही हैं तो मार्केट में वो शॉर्टेज हो जाएगा और मार्केट में अगर वो चीज़ ज़्यादा है और डिमांड उस चीज़ की नहीं है, कोई भी चीज़ हो सकती है उस चीज़ की डिमांड नहीं है तो वो मार्केट में सरप्लस और शॉर्टेज के अंडर आता है. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वान्टिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस. इलास्टिसिटी जो होती है वो मेजर की जाती है रिस्पॉन्सिवनेस की क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस. जितनी भी क्वांटिटी कोई भी डिमांड करे इतनी प्राइस में